हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे और आज का दिन आप सभी का शुभ हो। और हमारे यहाँ है आज हल्दी का फंक्शन, और सबसे पहले सुबह जिस दिन हल्दी का फंक्शन होता है तो ये फंक्शन तो वैसे हम लोगों ने बना लिए हैं, लेकिन जो मेन होती है वो पूजा होती है जिसमें तेल चढ़ता है। तो ये सबसे पहले माता का पूजन होगा, मंदिर में माता को तेल चढ़ाने जाते हैं सभी लोग, तो बस उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। ब्लॉग में बने रहिए, जैसा भी हमारे यहाँ जो भी रस्में होती है हम आपको पूरी तरीके से दिखाएंगे, एंजॉय करिए। आ गए तो अभी मंदिर पे, यहाँ ही पूजा होगी ना मंदिर पे, स्कूल में बच्चे पढ़ने भी आ गए। अभी आपको दिखाएंगे गाइस मंदिर, स्कूल का तो गेट बंद हो गया, हम कहाँ से बसेंगे। टेंट भी लग गया यार, देखो यहाँ अपना नहीं है। अच्छा, हमने दूसरे का दिखा दिया, गया बंद करो हमें नहीं। अम्मा नमस्ते। तो यहाँ पे सभी सिस्टर आ चुकी हैं, यहाँ पे और भी जो सिस्टर हैं, कजिन्स जो भी मेरे हैं, चाची की बेटियाँ वगैरह, वो सभी लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो ये हैदराबाद से आ गई थी, आपने देखा भी होगा इसको, जब मैं हैदराबाद में रहती थी इसकी शादी हैदराबाद में ही हुई है। तो ये भी आ गई थी जस्ट, ये आज मॉर्निंग में आई है, हम लोग कल रात को ही आ गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम ना सोनम के यहाँ पे चले जाते हैं, पर क्योंकि सोनम का क्वार्टर पास में ही है तो वहाँ चले जाते थे, फिर वहाँ से शादी वाले घर में आते जाते रह रहे हैं। कि तो यहाँ पे बस आए हुए हैं अभी। हे गाइस, यहाँ मैं पंडित आशीष शर्मा जी के बारे में बताने आई, जिनके बारे में आपको हमेशा ही अपनी स्टोरी पे भी बताती हूँ एंड अपने अकाउंट पे भी मैंने कई बार मेंशन किया हुआ। ये बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं जो काफ़ी समय से आप चाहते हैं उनका निवारण हो, नहीं हो पा रहा है, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, आपका कोई कारोबार है जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, नहीं चल रहा है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी परेशानी आपके साथ चल रही है और आप डिस्कस करना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं, मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एस्ट्रोलॉजर की आपको नीड है, तो यहाँ मैं नंबर भी मेंशन कर रही हूँ उनका, और यहाँ मैं आपको स्टोरी पर लिंक भी दे दूँगी, तो आप उनके व्हाट्सअप पे जाकर जुड़ सकते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू। तेल का पूजन अभी हो गया है और अभी यहाँ पे ना पूजा हो रही है, देखो आपको दिखा देते हैं, बैक कैमरे से दिखाते तो आपको समझ में आएगा। ये तेल चढ़ता है, आपको पता ही होगा ये तेल चढ़ जाएगा, उसके बाद से फिर वो जो हल्दी वाला फंक्शन है। और अभी ये यहाँ पे ऐसे जो पंडित जी से जो पूजा होती है वो सब हमारे जो गुरु जी हैं करवा रहे हैं। अभी नहीं, पहले एक बार ये सिस्टम तो कर लो, यहां से वो पकड़ ये ले लो आप लगाइए। ऋतिका मांगी पहले करा ले, साड़ी छोड़ दो, साड़ी ये ले लो लास्ट वाली दाल, चश्मा के जैसे तीन दाम साथ आप दे दीजिए, छोड़ दे लाओ अगर इसमें आवाज़ आती है, तो फिर लड़ाई झगड़ा होता है, मे भी ऐसा कुछ होता है, इसलिए इसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए और सिर्फ जाना चाहिए। लगे रहो लगे रहो।
भाभी 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 सिखा, मेरी तो भाभी ना लेकिन सिखा, सुनो बहुत सारे पैसे मांग लियो, एक ही मौका है पैसा, कितने? 5,000 5,000 मांग लेना। ये देखो शिखा खड़ी है, वैसे तो ये भाभी है पर मेरे से छोटी है इसलिए मैं इसका नाम लेती हूँ। अभी चाहिए कि बाद में, बाद को कोई कॉलम ना है। तो भैया देखो बेट हो रहा है। हाँ आधे आधे कर लियो, बचा लियो, ये भी ठीक है। ईसू ईसू 5,000 चाहिए बोल रही, 5,000 छीन लियो, सिखा छीन लियो, ठीक है। ईसू से जीतना मुश्किल है। लो बस है, सिखा निकल मती हो तुम। अरे गाइस दैट्स नॉट गुड, कौन विनर हुआ है? अगर भाभी को दे देते तो तुम्हें खाना मिल जाता, अब तुम्हें खाना ना मिले, जोमेटो ना चले, अब जय खाना है पूरे दिन, पुआ पकौड़ा। तो गाइस तेल वाली जो पूजा थी वो हो गई है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। तो ये जो खाना है, ये जो खाना होता है, ये जो तेल की पूजा करते हैं उनके लिए अलग से बनता है, ये तो वही खाना है। इसमें इसमें क्या है, मट्ठे के आलू हैं, सब्जी है, पूड़ी है, और क्या है, पुए हैं, और क्या है पता नहीं, खीर है कटोरे में, मुझे पता नहीं अभी मिलेगी, अभी मिला नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों भाभी लोग बैठे हैं, है तो ये छोटी दोनों मेरे से नाम लेती हूँ मैं इनका, और यहाँ पे बस खाना। तो अभी हम लोग ये पूजा वाला खाना खा के उसके बाद से फिर हल्दी फंक्शन के लिए रेडी होंगे। तो गाइस अभी स्टार्ट हो गया है हल्दी फंक्शन, जो हम लोगों के लिए, ये वैसे तो हमारे यहाँ वीडियो फोटो के लिए ही होता है समझ लो, स्पेशली ये कुछ नहीं है, लेकिन ये अब होने लगा है सबका, देख देख के हम सब भी करते हैं, बट हमारे यहाँ पूजा होती है वो, तो आपने जो पहले देखी लाल साड़ी में वही पूजा हुई थी, वही होता है तेल, बट ये हल्दी फंक्शन हम लोगों ने अपने शौक और अपने फैशन के लिए रख लिया है। तो यहाँ पर ये डेकोरेशन देख सकते हैं, बाकी सभी आ गए, मम्मी चाची नानी सभी लोग आ गए, वो दोनों मेरी सिस्टर और भाभी सभी लोग आ गए हैं अभी, और आने वाला है दूल्हा। उस दूल्हे के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर आपको दूल्हा भी मिलेगा। दादी ना चल नहीं पाती है अब, तो दादी को ना कुर्सी में बैठा के ले आए, देखो दादी दादी अब नहीं चल नहीं पाती है। हाँ दादी खुश है, पर पोते की शादी है, दिखा दो।
परदादी आई है, परदादी। तो यहाँ पे देख रहे, कुछ फ़ोटो शूट चल रहा था, जो फोटोग्राफर भैया थे कुछ क्लिप्स वगैरह वो ले रहे थे, फ़ोटो शूट करवा रहे थे हम लोगों से, हाथ वगैरह से बनवा के। तो बहुत अच्छे कुछ क्लिप्स हमने भी लिए। तो बस इस तरीके से ही ये फंक्शन भी हो गया कंप्लीट। और ये तो बस हम लोगों के, मैंने बताया कि हमारे शौक के लिए हो जाता है, बट हमारे यहाँ ना तेल का पूजन अलग होता है, बट हम बच्चों की खुशी के लिए हमारे पेरेंट्स सब कुछ करते हैं। तो ये बस इस तरीके से हमारी खुशी के लिए छोटा सा फंक्शन हम लोगों ने रख लिया था। वैसे तो सुबह जो तेल की पूजा होती है, पहले हमारे यहाँ वही होती थी, बट अब सब लोग को देख देख के हम भी करते हैं और हम इंजॉय भी पूरा करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। तो बस इसी तरीके से सब कुछ हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डांस कर रही थी, बहुत ही अच्छा लगा। सब लोग मिलते हैं शादी वगैरह में आने से, बस यही है कि जो काफ़ी दिन से लोग नहीं मिल पाते ना, वो भी मिल जाते हैं। और बहुत अच्छा लगा सच में ही, यहाँ पे सब लोग काफ़ी दिन बाद मिले थे और हमने बहुत सारा इन्जॉय किया। तो आप भी करिए, वीडियो को पूरा देखिए। लिया सबने और अब सो गए हैं सोने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग की रूम में यहाँ पे लेटे हुए हैं और सबके छोटे छोटे बच्चे, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मेरी जो छोटी सिस्टर है सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई देखो उधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है, सबकी आवाज़ आ रही है क्योंकि बच्चों के सोने का टाइम हो गया। और बच्चे ना शादी के घर में थक भी जाते हैं बच्चे, तो यहाँ पे मेरा बच्चा भी सो गया, ये भी सो रहा है। तो गाइस चलो इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल। कल है मेहंदी का फंक्शन और जो भी होगा थोड़ा बहुत दिन में, कल की वीडियो में आपको दिखाएंगे। और अब जा तो रहे हैं ढोलक बजाने के लिए, सब लोग बुला रहे हैं लेकिन इतनी थकान हो गई है, मन नहीं कर रहा है। परी की भी तबीयत ख़राब हो गई है, तो बस अब ये सोच रही हूँ कि बस थोड़ा सा थोड़ी देर एक दो गाने में बैठ के आऊँगी, फिर सो जाऊँगी। तो चलो इस वाली वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू गाइस, गुड नाइट। अपना